मेरे सभी पूर्वजों को मेरा सादर प्रणाम। ओम श्री गणेश देवताय नमः। ओम श्री कुल देवताय नमः। ओम श्री गुरु देवताय नमः। ओम सर्वश्री इष्ट देवताय नमः। शिवशरण दोस्तों, मैं हूँ कड़ापा, आपके सामने फिर से हाजिर हूँ। मेरे धर्म कर्म चरण में आपका स्वागत है दोस्तों। दिन, नक्षत्र, तिथि, योग और करण, इन 5 अंगों से बनता है पंचांग। और रोज संकल्प छोड़कर पूजा करने से, पंचांग बोलने या सुनने से नाना सिद्धि आपको प्राप्त होने की संभावना बढ़ती है, क्योंकि तिथि हमें वैभव देती है, वार हमारे आयु बढ़ाता है, नक्षत्र हमारे सभी पापों को नष्ट करता है, योग हमें जुदाई से बचाता है और करण हमारी सारी मनोकामनाएं पूरी करता है। लेकिन इसके लिए हमें शास्त्र शुद्ध स्वधर्म का पालन करना चाहिए, अंतकरण शुद्ध करना चाहिए, वास्तु दोष अगर है तो उसे हमें नष्ट करना चाहिए। हमारा भक्ति मार्ग शास्त्रविहित कर्मों से भरा होना चाहिए। आत्मा परमात्मा का मिलन हमारे जीवन का उद्देश्य होना चाहिए, इसके बाद ही हमें कोई सिद्धि प्राप्ति की आशा करनी चाहिए। दोस्तों, आपको पंचांग आज का सुनाने जा रहा हूँ, इसका उपयोग आप किसी भी धार्मिक कर्मकांड में आराम से कर सकते हैं। दोस्तों, आज तारीख 15 मार्च 2024, शालिवान शक 1945, संवत्सर शोभन आयन उत्तर, ऋतु शिशिर, मास फागुन, पक्ष शुक्ल, तिथि दोस्तों आज की षष्ठी तिथि है। रात 10:10 के बाद सप्तमी तिथि शुरू होगी, वार शुक्रवार है दोस्तों। नक्षत्र दोस्तों आज का आहुति का नक्षत्र है। दोपहर 4:08 के बाद रोहिणी नक्षत्र शुरू होगा, योग विष्कम्भ योग है दोस्तों आज का। रात 7:45 के बाद प्रीति योग शुरू होगा। करण दोस्तों कौलो करण है आज का। सुबह 10:43 के बाद तैतिल करण शुरू होगा और रात 10:10 के बाद गरज करण शुरू होगा दोस्तों। प्रमुख ग्रहों की राशि स्थिति सुबह 5:30 कुछ इस तरह होगी दोस्तों। सूरज जो है कुंभ राशि में, चांद वृषभ राशि में, गुरु मेष राशि में और शनिदेव कुंभ राशि में। बम्बई क्षेत्र में सूरज का आगमन और निगमन कुछ इस तरह होगा दोस्तों। आगमन जो है सुबह 6:48 पर होगा और निगमन जो है शाम 6:47 पर होगा दोस्तों। इस पंचांग के आधार पर दोस्तों आज के नित्य देव पूजा के लिए हम संकल्प छोड़ने जा रहे हैं। तभी आप आपके दाहिने हाथ के हथेली पर थोड़ा सा जल, थोड़े अक्षत, एक फूल या फूल के पंखुड़ी लिए दोस्तों और ये संकल्प बोलना शुरू करते हैं। हर ओम शिव शिव शंभो राधे, प्रवर्त मानस सद्य प्रमणो द्वितीय पराय, श्वेत वराह कल्पे वैवस्वत मन्वंतर, कलियुगे प्रथम पाद जम्बूद्वीपे भरतवर्ष भरतखंडे मेरो दक्षिण दिग्भागे महाराष्ट्र देशे व्यावहारिक चांद्रवाणी शालिवान शक 1945, प्रभादि षष्ठी सहस्रारामे शोभन नाम सोत्सरे उत्तरायणे शिशिर ऋतु फाल्गुन मासे शुक्ल पक्षे शुक्रवार वासरे कृतिका नक्षत्र विष्कम्भ योग कौलव कर्ण षष्ठी शुभदिन तो वीर गोत्र में उत्पन्न मैथुन मोहपात्र दुरित क्षय द्वारा श्री पार्वती पति परमेश्वर इत्यर्थ विधि विधान से पंचोपचार नित्य देव पूजा एवं इष्टलिंग पूजा करिष। दोस्तों, यह संकल्प यहीं पर खत्म हो चुका है। अब आप आपके दाहिने हाथ के हथेली पर जो संकल्प का पानी है वो सामने वाली थाली में छोड़ दो। दोस्तों, इस संकल्प की काल मर्यादा जो सुबह 10:43 के मिनट तक है, इस समय के बाद भी अगर आपको किसी धार्मिक विधि की संपन्नता के लिए संकल्प छोड़ना है तो कृपा करके आप ऊपर के बदले हुए पंचांग का सहारा लेकर नया संकल्प तैयार करें दोस्तों, और उस संकल्प में आप जो करने जा रहे हैं विधि उसका उल्लेख अवश्य करें दोस्तों। तब जाकर आपकी जो धार्मिक सेवा है वो संबंधित देवताओं तक पहुंचेगी और उनका आशीर्वाद आप तक पहुंचेगा दोस्तों। आपका जीवन अधिक सुखमय बन जाएगा दोस्तों। आप मुहूर्त विभाग में देखें, इसमें धार्मिक विधि और उनके मुहूर्त काल कुछ इस प्रकार दिए हैं दोस्तों। सबसे पहले सगाई के लिए मुहूर्त दिया गया है तारीख 16, 17, 26, 27, 27 अप्रैल, तारीख 1, 3, 5। गोद भराई के लिए एक मुहूर्त दिया गया है तारीख 17, 18, 19, 20, 26। नामकरण करने के लिए मुहूर्त दिया गया है तारीख 16, 17, 19, 26, 27, 27 अप्रैल, तारीख 5। मुंडन करने के लिए मुहूर्त दिया गया है तारीख 17, 20, 27 अप्रैल, तारीख 5।
ग्रह प्रवेश करने के लिए मुहूर्त दिया गया है तारीख 16, 17, 27, 30 अप्रैल, तारीख 1, 5 और 6। दोस्तों मुहूर्त के दूसरे भाग जनेऊ संस्कार के लिए मुहूर्त दिया गया है दोस्तों 3 तारीख 19, 20, 21, 27। शादी ब्याह के लिए मुहूर्त दिया गया है तारीख 16, 17, 26, 27, 30 अप्रैल, तारीख 1, 3, 4 और 5। वास्तु शांति के लिए मुहूर्त दिया गया है दोस्तों तारीख 16, 20, 27, 30 अप्रैल, तारीख 1, 5 और 6। भूमि पूजन तथा पायाभरण के लिए मुहूर्त दिया गया है तारीख 21 और 23। देवमूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा अगर आपको करनी है तो इसके लिए मुहूर्त दिया गया है तारीख 17, 20, 27 अप्रैल, तारीख 5। दोस्तों ऊपर दिए गए कुछ मुहूर्त में समय की पाबंदी हो सकती है। किसी जानकार से जानकर ही आप अपने लिए कोई मुख्य और योग्य ऐसा मुहूर्त अपने जन्म कुंड के अनुसार निश्चित करें। दोस्तों अपने फायदे के लिए पंडित के माध्यम से जबरन कोई नया मुहूर्त निर्माण ना करें, जबकि आपके लिए कोई मुहूर्त नहीं रहेगा, या गौण संकट या आपातकाल के मुहूर्तों का भी चयन ना करें, तभी आप सही मुहूर्त का आनंद उठा पाओगे। दोस्तों आप पंचांग में दी गई और कोई अन्य महत्वपूर्ण जो जानकारी है वो अब हम देखेंगे। दोस्तों पंचांग शुद्धि दोस्तों दोपहर 4 बजे के बाद अच्छा दिन है, तब तक नहीं है। दोस्तों दिन विशेष दोस्तों शाम 4:56 के बाद यम घंट योग शुरू हो रहा है। दोस्तों और उसके पहले दोस्तों घबाड़ योग जो है वो क्षमा करें दोस्तों टाइमिंग में कुछ ही थोड़ा सा फर्क है। दोस्तों शाम 4:08 के बाद यम घंट योग शुरू होगा और ये ऐसा अशुभ यम घंट योग है दोस्तों कि जो बालक इस समय में, इस पीरियड में, इस साल में जन्म लेगा उसकी शांति दोस्तों 12वें दिन पंडित के माध्यम से अपने घर पर करनी होती है विधि विधान से। और ये योग जो है दोस्तों ये चालू पंचांग में ही दिया जाता है, नया पंचांग में नहीं दिया जाता है, इसलिए ये शांति करनी बहुत जरूरी होते हैं दोस्तों, बाद में हम भूल जाते हैं और इसका परिणाम बालक के जीवन पर हो सकता है, हमारे जीवन पर हो सकता है, माता पिता के जीवन पर हो सकता है। इसके लिए मैं हर पंचांग में बोलता हूँ कि यम घंट योग, दग्ध योग, ये मृत्यु योग, ये जो 3 योग है ये बहुत अशुभ है। अग्नि क्षमा करें दोस्तों उसके पहले भी जो अमृत घबाड़ योग मैंने आपको कहा है कि यो घबाड़ योग ये बहुत ही शुभ योग होता है दोस्तों। इस घबाड़ योग में आप जो भी काम करेंगे वो काम जो है वो ज्यादा करके आपको यश की प्राप्ति करा देता है दोस्तों। क्योंकि ये बहुत ही शुभ है ऐसा ये घबाड़ी योग है दोस्तों। इसके बाद ही यम घंट योग शुरू होगा दोस्तों।
तो ये दोनों योग आपको ध्यान में लेना है। अग्नि धरती पर हाजिर नहीं है, इसलिए आप नया कोई नया कर्मकांड करना चाहते हुए भी आप नहीं कर सकते, उसमें बाधा आ सकती है दोस्तों। आप करने जाएंगे लेकिन बाधा आ सकती है। इसके लिए जब भी अग्नि धरती पर होता है तभी हमें नया कोई नया कर्मकांड करना चाहिए, लेकिन जो रेगुलर जो होता है वो तो हम किसी भी कारण रोक नहीं सकते, वो तो हमें करना है। जैसे हम देव पूजा वगैरह करते हैं रोज, वैसे ही हमें ये जो छोटा हो या बड़ा हो यज्ञ या जो जो हम करते हैं उसे हमें पूरा करना होता है रेगुलर। राहु काल दोस्तों सुबह 10:30 बजे से लेकर 12 बजे, ये समय में भी आपका को जो भी महत्वपूर्ण काम है वो बिगड़ सकता है, बनता नहीं है, इसमें बाधा आती है। तो इसका मतलब राहु का प्रभाव आपके काम के ऊपर ज्यादा है, तो आप उस काम को और कोई समय पूरा करने की कोशिश करो, हो सकता है आपको उसमें यश की प्राप्ति हो। दोस्तों संकल्प छोड़कर की गई जो पूजा होती है वो 100% और जल्द फलदायी होती, क्योंकि हम ही होते हैं ऐसे धार्मिक कर्म कांडों के कर्ता, हम ही होते हैं हमारे जीवन को बनाने और बिगाड़ने। अगर आप मेरे विचारों से सहमत है तो कृपा करके मेरा धर्म कर्म चैनल सब्सक्राइब करो, लाइक करो, आपकी फैमिली और दोस्त परिवार के साथ शेयर करो, और कमेंट्स बॉक्स में आप अपना कमेंट जरूर दो। दोस्तों मेरा अगला वीडियो आप तक पहुंचने के लिए बेल बटन को अवश्य, धन्यवाद दोस्तों। हमारी अगली मुलाकात होने तक आप खुश रहें, आनंद रहें और प्रसन्न रहें। हरिओम, शिव शंभो महा।